इन्वेस्टिगेशन करवाइए और पता कीजिए, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर उनको ऐसे, तो वो या तो पहले तो सीनियर जो वहाँ का है, SHO है, SP, मतलब DGP तक को भी कह सकते हैं कि भाई आप रिपोर्ट बना के दो इसमें, और अगर उनको वो लगता है कि वो ठीक से रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं तो वो उनके DGP होता है, जो मेम्बर होता है, उसे भी कह सकते हैं कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करो। हाँ, एक बात ये है कि हम सोचते हैं ना कि जैसे जो कि हमारा कोई केस है वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई फैसला आ गया है तो उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में आए तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये ह्यूमन राइट कमीशन में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं है कि इनका कोई डिसीजन आया तो हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट वो अपील कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट, ऐसा नहीं होता। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अलग से कंप्लेंट दर्ज होती है और अगर उन्हें लगा कि ये इस स्टेट से रिलेटेड है तो वो अपने आप ट्रांसफर करते हैं। और कोई क्वेश्चन सर? 1993 में ये एक्ट आ गया था, उसके बाद से हर स्टेट में धीरे धीरे, जैसे पंजाब से का जो ह्यूमन राइट कमीशन बना था वो 1997 में आया था। इनकी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनती है कि उस साल कमीशन ने क्या क्या किए, किस किस तरह के केस आए, कितना टाइम लगा उन्हें सॉल्व करने में। इनका ह्यूमन राइट कमीशन में का एक फायदा है कि यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी से जल्दी आपकी कंप्लेंट पे रिएक्ट करते हैं और आपको न्याय दिलवाते हैं। जबकि ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है कि हम कोर्ट्स में जाते हैं तो आगे की डेट वगैरह देते रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इन्हें हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है, उसमें ये होता है कि ये लिखते हैं कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए मतलब वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया है, कि अवेयरनेस कैंपेन लगाए हैं, अगर जैसे और कहीं अगर एक और बात कि इनके पास एक पावर होती है कि कहीं भी जैसे स्कूल, मेंटल असाइलम, मेंटल हॉस्पिटल, जेल्स या जो जुविनाइल होम होते हैं ये कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ ये लगे कि मानव को कैद किया जा सकता है। जैसे हम स्कूल पे हैं, हमें यहाँ कोई बंदी बना के रख लिया अगर स्कूल वाले, तो ये कहीं भी जाके इनके पास इतनी पावर होती है कि ये भी हमारा मानव अधिकार है कि हमारी मर्जी हम स्कूल आते हैं, हमारी मर्जी हम जाते हैं जब छुट्टी, लेकिन अगर उसके बाद भी हमें कैद करके रख सकते हैं तो उनकी पावर है, वो बिना किसी की परमिशन के आ सकते हैं। और कोई सवाल? हाँ, किसी के खिलाफ भी रिलीफ आ सकते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी प्रशासन, मतलब कोई भी जैसे सरकारी ऑफिसर है उसके अगेंस्ट लिख आ सकते हैं, किसी आर्मी वाले के खिलाफ लिख आ सकते हैं। कई बार जैसे ये होता है कि चाइल्ड लेबर वगैरह हो रही होती है, कई बाल श्रम जिसे कहते हैं, बाल मजदूरी, तो उसके खिलाफ भी वो उसे उसके मानव अधिकारों का हरण नहीं है, उसके उससे रिलेटेड कंप्लेन लिखवा सकते हैं। और सिर्फ हम दोनों जैसे आपस में हमारा जो झगड़ा है ना उससे रिलेटेड कंप्लेन लिखवा सकते हैं, उसमें एक तो ये होना चाहिए हमारे मानव अधिकारों का हरण होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे मानव अधिकारों का हरण है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिले हुए हैं, लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 36 में। तो अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और हमारे ह्यूमन राइट्स जैसे ह्यूमन राइट आई थिंक तो हर बेसिक राइट है जो हमें चाहिए है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो ह्यूमन राइट है। तो अगर उससे रिलेटेड हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें आप किसी के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, कई केसेस में ऐसा दे सकते हैं, और कई केसेस में होता है इनकी जैसे खुद की डिस्क्रिप्शन पावर होती है, इनकी मर्जी होती है, कुछ कंप्लेंट्स ये ले लेते हैं जिनमें मतलब कि जैसे रेप वगैरह से रिलेटेड, जिसमें आपको लगता है कि यार ये मेरा इन्होंने कंप्लेन दर्ज की थी, या किसी और से रिलेटेड किडनैपिंग वगैरह से रिलेटेड, तो ये लगता है कि ये तो मतलब कि इम्पोर्टेंट वो है केस है,
होना चाहिए, जरूर हमें स्टेप लेना चाहिए, तो वो बिना पुलिस के पास जाए नहीं कर सकते। लेकिन ये इसलिए कई बार रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये कहेंगे कि आपके पास जो पहले समाधान है, जैसे हमारी पहला तो ये है कि हमारे साथ कोई भी गलत काम होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि हमारा ये गलत हुआ है, तो अगर हम उनके पास नहीं गए तो ये कहेंगे कि तुम उनके पास तो गए नहीं, पहले तुम हमारे पास आ रहे हो सीधा, तो इसलिए कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। पावर इनकी जैसे है कि ये कंपनसेशन दिलवा सकते हैं आपको, जैसे किसी ने फ्रॉड किया है गवर्नमेंट अथॉरिटी में आपके साथ, तो उसमें आपको कंपनसेशन दिलवा सकते हैं मॉनिटरी की, और इनके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है, ये मतलब कि किसी कोर्ट में अगर आपका मैटर चल रहा है ना तो उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई इसमें इसके साथ ऐसे होना चाहिए, अब आपको ये स्टेप लेने चाहिए। और क्या होता है कि ये जो एडवाइस करते हैं ना कोर्ट को, वो मेनली 99% कोर्ट मानती है, क्योंकि इनका मतलब प्रिविलेज है कि ये वो इतनी वो डिग्निटी कर रहे हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, और तो इसलिए वो 99% मान रहे हैं। और पावर अगर तुम्हें मतलब वही पावर है कि यार इनको पुलिस ऑफिसर भी मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरह, अगर DGP होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तो उसके पास देखो कितनी पावर्स होती है, वो मतलब कि किसी भी अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर से कुछ भी रिपोर्ट मंगवा सकता है, किसी भी अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसके बारे में पूछ सकता है, या अगर कहीं जा रहा है जैसे कहीं चाइल्ड लेबर हो रहा है, फोर्स लेबर हो रहा है कि भाई बंधुआ मजदूरी से कहते हैं कि भाई कोई धक्के से तुम्हें मजदूरी करवा रहे हैं, तुम्हारे शोषण कर रहा है, तो ये अपने जितने पुलिस पावर चाहिए होती है उतने पुलिस पावर इनको मिलती है, और वो लेके जाते हैं वहाँ पे और मतलब उसे छुड़वा के लाते हैं जो लेबर। और इन्हें जो हम ये टैक्स वगैरह भरते हैं तो वो सारा सरकार के पास जाता है, तो सरकार इन्हें फंडिंग देती है जो इनकी वर्किंग के लिए जो ऑफिस बने हुए हैं, और आगे जो इनको सैलरी वगैरह देनी होती है मेंबर्स को, तो वो सब जो हमारे टैक्स वाला बने होते हैं वही जाता है। और कोई किसी का सवाल? इनकी ये पावर भी होती है कि ये जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट कोर्ट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कि अगर कोई फैसला है सरकारी और उसके प्रशासन और तीसरे आदमी के बीच में। और एक बार और कि जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे कि अगर तुम्हारे ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है कि तो तुम्हें कंप्लेन करो, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने देखा है तुम्हारे ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा तो मैं भी इनके दे सकता हूँ, और उसने भी उन्हें मतलब कि कार्रवाई करनी होगी, जरूरी नहीं कि जिसका मैंने हो रहा है वो खुद ही लिखे, और कोई भी लिख सकता है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास ये चीज गलत हो रही है और इसके लिए कोई कुछ कदम उठा नहीं रहा है तो तुम लिख सकते हो। सर 10th क्लास को कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? कुछ समझ नहीं आ रहा तो बार बार पूछो मेरे से,
या किसी और चीज से रिलेटेड पूछना हो कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो, किसके पढ़ रहे हो, बस तुम भी बैठ सकते हो आगे, क्या नाम है तुम्हारा। पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन में इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे मैंने क्या सीखा और आपको आपके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन जो है हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है, हमारे लिए काम करता है। उसमें अगर आपके किसी भी अधिकार का वायलेशन हुआ है, आपका किसी भी अधिकार का हनन हुआ है, या आपने आपके कोई कंप्लेन आपकी नहीं सुन रहा है, आपने पुलिस में कंप्लेन करी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करी है, एसपी के पास गए हो, या आपका कोई मैटर है जो कोई नहीं सुन रहा है, तो आप डायरेक्ट पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन आप कैसे भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, उन्हें चिट्ठी लिख सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, उन्हें फ़ोन में बता सकते हो, या सेक्टर 34 में उनका ऑफिस है, वहीं जाके आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो। आपकी कंप्लेन एक साल पुरानी नहीं होनी चाहिए और वो कंप्लेन कोर्ट में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब कंप्लेन आप कर सकते हो। पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उस पर एक्ट करेगा और उस कंप्लेन को जो भी अधिकारी उसके रिस्पॉन्सिबल होगा उसको नोटिस भेज के जवाब देंगे। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है उसका जो हाई लेवल ऑफिसर होता है वो डीजीपी को अपॉइंट किया जाता है, जो डीजीपी उनसे इंक्वायरी कर सकता है। और जो हमारी जो विंग होती है उसमें 3 ऑफिसर्स होते हैं, और जो हमारा चेयरपर्सन होता है वो किसी भी हाई कोर्ट का पुराना रिटायर्ड जज होता है, और वो फैसला लेने के लिए एकदम सक्षम होता है कि अगर आपका कोई अन्याय हुआ है तो वो आपका न्याय करने में सफल होगा। अब बात आती है आपका न्याय क्या क्या है, आपके अधिकार क्या क्या है, जैसे आपको जीने का अधिकार हो गया, खाने का अधिकार हो गया, आपको शिक्षा का अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार मूल अधिकार हैं आपको जो संविधान ने दिए हैं। ये इन सारे मूल अधिकारों को देखकर आप कोई भी आपका अधिकार अगर हनन होता है, आपके अन्याय होता है, आप पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अज मैं थोड़ा PSHRC बारे दसन जा रहा, जिसका सेंट्रल सैक्टर 34 में स्थित है, वो ह्यूमन राइट कमीशन है। उस अपने अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेट होंगे तो आप उत्थे जाके कंप्लेट कर सकते हैं, वो आपू मदद प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी अपने ह्यूमन राइट वायलेट हों तो वो कंप्लेट करके वो उससे एक्शन लेंगे। असी अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती या कोई हस्पताल कोई चंगी तरह नहीं बर्ताव करता तो उस कंप्लेट कर सकते हैं असी उत्थे जाके। अगर कोर्ट च कोई केस पेंडिंग है